हल्का फुल्का कर चिचर पदिश कत लिटिल बिट अच्छे ए सी डी सब गामस मे सैनिटेशन ड्रेन यानी कि हेलमेट चिचरी पोरा है होड़ ड्रेन गामुक सोरी बदलो क्योंकि ये गांव जो है सिटी के नज़दीक है टाउन के नज़दीक है एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट का यहाँ पर प्रोग्राम रखे और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों ड्रेने भी हो जाएंगी और बहुत सारे सेप्टिक टैंक भी बनेंगे। ये जो चिचड़पोरा है ये एक्चुअली हमारे टाउन के बहुत नज़दीक है और टाउन के नज़दीक होने से यहाँ जो है आबादी का हजम भी बढ़ गया है, जमाव आबादी का दबाव भी और भी लोग यहाँ पर जो मैंने देखा बसने आ रहे हैं टाउन से जो यहाँ पर आ रहे हैं जो ज़मीनें खाली है वो ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर तामीर तरक्की का जो है इसकी ज़रूरत बढ़ गई है तो इसी से तनाजुर में हम यहाँ आ गए और यहाँ कुछ हम जो एक रोड है जो यहाँ पर दो तीन चिचड़ीपोरा से लेकर यहाँ वानी हॉस्पिटल तक जाता है और दो तीन हलकों को ये कनेक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है और इस कनेक्टिविटी के लिहाज से इस गाँव के लिए नए रास्ते खुलेंगे क्योंकि बिजनेस बढ़ रहे हैं, आमद रफ्त बढ़ रहा है और इसके साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी लग रहे हैं तो इस तनाजुर में ये जो रोड है बहुत अहम है। इसके अलावा यहाँ पर एक जनाजगाह का अब भी हमने जो है वो इफ्तिताह किया, इंशाल्लाह इस साल में वो भी पूरा होगा। इसके अलावा जो भी लेनर्स ड्रेनर्स है जो भी यहाँ पर डिमांड्स आई हम फेज़ वाइज इन सब को कम्प्लीट करेंगे और इसको जो है इस ये जो हल्का है ये इस काबिल बन जाए कि ये टाउन के साथ जब कल को ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन जाए या इसमें टाउन का एरिया जो बढ़ जाएगा, ये बहुत नज़दीक है आपको पता है टाउन के साथ, तो ये टाउन ही लगना चाहिए। तो हमने इस सिलसिले में जो भी टाउन के नज़दीक इनके लिए हम खास प्रोग्राम इंशाल्लाह बना रहे हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट में, सॉलिड लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी SBM 2 में। इसके अलावा हमारा आपको पता है एरिया डेवलपमेंट प्लान है। हाँ, इसमें एक यहाँ इस साल की मैं बात करूँगा, आपको पता है मैं एक दो महीने से यहाँ हूँ और हमारा एक नया सिस्टम हुआ जो ई टेंडरिंग का हुआ। आपको पता है ये पहली मर्तबा था कि एरिया डेवलपमेंट प्लान में जिसमें PRI प्लान है, BDC प्लान है, DDC प्लान में इसमें इतनी ज़्यादा फंडिंग हुई कि हम कूप अप नहीं कर सके। और दूसरा एक नया कंसेप्ट हुआ कि ई टेंडरिंग करनी है, तो ई टेंडरिंग के हवाले से प्रोसीजर भी पता नहीं था, नई चीज़ थी, टाइम लगा करने में और इस प्रोसेस के साथ हम जो है साल के आखिर तक पहुँच गए और बीच में इसमें जैसे आपको पता है विंटर आता है, बड़ा हार्श विंटर होता है, दिसंबर में कोई काम नहीं कर पाए, नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी में भी बर्फबारी हुई, इस लिहाज से हमारे काम जो है वो आखिर पर पड़ गए, मार्च पर पड़ गए। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ इस साल हमने वक्त से पहले प्लान बनाया है, इंशाल्लाह अप्रूव भी वक्त से पहले होगा और बड़े अच्छे टाइम पर जब गर्मी का मौसम होगा, अच्छा मौसम होगा, दिसंबर तक हम बात को पहुँचने नहीं देंगे, वेल बिफोर दिसंबर हम सारे काम जो है अच्छे तरीके से एक्शन तरीके से कर लेंगे। एक्चुअली देयर आर सो मेनी रीजंस, वी नो द सिचुएशन वाज नॉट क्वाइट वेल फॉर द डेवलपमेंट फॉर पास्ट 2 decades, नाउ दिस ट्रेन ऑफ डेवलपमेंट हैज़ कम ऑन ट्रैक एंड वी आर मूविंग इट वेरी फास्ट, इंशाल्लाह यू विल सी डिफरेंस, रिमार्केबल डिफरेंस इन नेक्स्ट ईयर। मैं आपको एश्योर करता हूँ इस साल में जो यहाँ पर जो मुझे डिफ़िकल्टीज दिखी, इस साल के आखिर तक हम इसका 50% से ज़्यादा कोशिश करने की जो मसाइल है वो हल करने की कोशिश। टू मीडिया पर्सन जो यहाँ पे आए, आज हमने ACD अनंतनाग मिस्टर रियाज साहब को, BDO अनंतनाग, यहाँ के AEE अनंतनाग और BDC चेयरमैन को हम यहाँ मधु किया है, दावत दी है क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे गांव में आप देखिए कि ये रोड जो वसीम जहाँ रोड बन रहा है ये यहाँ से मूमिन आबाद, इसके लिए फंड 20-25 लाख इन्हें रिलीज़ किए हैं। हमारा ग्रेवयार्ड जो है उसकी फेंसिंग, हमारा पुल जो आगे जा रहा है जनाजगाह के लिए, सबसे डेस्परेट जनाजगाह और ईदगाह, उसके ACD साहब ने वहीं पे फंड्स रिलीज़ किए हैं। जो AAY का मसला है, SBM का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, गांव में जो ग्राउंड लेवल पे कोई डेवलपमेंट, आज ACD साहब खुद आए, हमने खुद इनवाइट किया, आप खुद देखिए एसेस करिए ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन। तो ACD साहब आई एम हाईली थैंकफुल टू हिम कि ये आए और उनने कहा कि 1.5 करोड़ से आगे, मैंने 1 करोड़ का प्रपोजल भेजा था, इसने बोला 1.5 करोड़ से आगे चिचड़ीपोरा का दे रहे और विद इन 2022 ईयर में हम ये सारा क्लियर करके देंगे।